उसके बाद है हमारे पास 20, ठीक है, और ट्वेंटी को किस तरह हम करेंगे। 20 में आपके पास सिंपल एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर, और आपको करना है डिफरेंशिएट। जो आपके पास ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला क्या था कि e की पावर कुछ भी हो, बॉक्स बना दिया मैंने, डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले आपने यही लिख देना पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ पावर, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करने का तरीका था। तो कर दो आप, सबसे पहले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज़ कॉपी कर दो, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जो आपके पास पावर है, पावर यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपके पास 21 है, 21 में क्या लिखा हुआ है, आपके पास बेसिकली एक अगेन पैरामेट्रिक फंक्शन है 4t³+1, और आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, डी वाई बाय डी टी होना चाहिए ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी। वाई को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, 3 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, पावर लेस करो 12t² 1 का डेरिवेटिव तो वैसे 0 है, डिवाइडेड बाय एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर टी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 22 में आपके पास प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, एक आपके पास फंक्शन है e की पावर 2x² और एक है आपके पास सिंपल x, डिफरेंशिएट किस तरह करोगे, इसको आप ले लो u और इसको आप ले लो v, ठीक है, डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले v को रखो साइड पे, u का डेरिवेटिव लो, u का डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे पहले एज इट इज़ इसको कॉपी कर दो, उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव लो, 2x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पहले ले आओ, 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर u को रखो आप साइड पे, v का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, 4x को मल्टीप्लाई करो x से, तो 4x² और ये बच जाएगा, और इधर सिर्फ e की पावर 2x² है, उसके बाद आप कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 4x² और इधर से आ जाएगा +1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। 23 में आपके पास गिवन है e की पावर cos x, ठीक है, अगेन डेरिवेटिव क्या होगा इसका, जो e की पावर गिवन है एज इट इज कॉपी कर लो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, तो माइनस साइन x e की पावर cos x, माइनस e की पावर cos x साइन x, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। फिर आपके पास एक लोगेरिथम फंक्शन है, और वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ प्राइम एक्स निकालना है। एल एन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, एल एन के आगे बॉक्स लिख दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी एल एन के बाद लिखा हुआ है वो आपने डिनोमिनेटर में कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में था, मतलब जो एल एन के बाद लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर एल एन के बाद ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, सबसे पहले क्या करो आप, जो भी एल एन के बाद लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है, सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा 2x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2x+1, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 25 में आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी एल एन टी की पावर 5, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, एफ ऑफ प्राइम टी मतलब डिफरेंशिएट करना है। अगेन इस पे जो मैंने कहा था एक्सटेंडेड जो पावर रूल था, ये पूरी चीज़ आप लेट कर लो, बॉक्स है आपके पास और पावर 5 है, तो सबसे पहले पावर नीचे आ गई, एल एन टी पावर में से 1 लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना होता है जो बॉक्स है उसका डेरिवेटिव, ये पूरा बॉक्स है, एल एन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, इसी तरह एल एन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, जो एल एन के बाद लिखी हुई चीज़ वो नीचे आ जाएगी 1/t, फिर जो नीचे है उसका डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एल एन टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय टी। ये सारे बुक के क्वेश्चन भी हैं, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, तो अगर ज़्यादा मसला हो डिटेल में समझना है तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हो।
तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो करेक्ट होगा, 5 ln t की पावर 4 डिवाइडेड बाय t। उसके बाद 26 में आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी स्टार्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की टेक्निक बताई थी। अच्छा, 10 उधर था तो आप इधर ले आओ, ठीक है। टेक्निक क्या है, माइनस लिखो सबसे पहले, ऊपर आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। एक्स क्यूब का डेरेटिव 3x2। अब वाई क्यूब एक कॉन्स्टेंट है, एज अ कॉन्स्टेंट ही आया हुआ है, ठीक है, तो इसका डेरेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। 3 ए और वाई ये तीनों कॉन्स्टेंट हैं, एज अ कोफिशेंट आया हुआ है, तो आप क्या कर दो, इनको साइड पर कर दो, और एक्स का डेरेटिव क्या होता है, 1 होता है। -10 डेरिवेटिव, सॉरी कॉन्स्टेंट है, डेरेटिव 0 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो, और एक्स को क्या ट्रीट करो, कॉन्स्टेंट। एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट आया हुआ है, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 3y2। अब 3ax ये एज अ कोफिशेंट है, इसको आप कर दो साइड पे, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होता है। 10 जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। सिंप्लीफाई करो, यहाँ आएगा -3x2 + 3ay, नीचे आएगा 3y2 + 3ax। सिंप्लीफाई हो सकता है मज़ीद तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको हम, क्योंकि आंसर में सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर में भी 3 कॉमन लिया हुआ है, 3 कॉमन लो, बाहर माइनस है, ठीक है, 3 कॉमन लो, अंदर आएगा x2 + ay, और नीचे 3 कॉमन लो तो y2 + ax, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर ही है, ठीक है, तो -x2 + ay डिवाइडेड बाय y2 + ax, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 है आपके पास, और 27 में एक आपको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, एक होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ई आता है आपके पास, ठीक है, और करना क्या है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज़ लिख दो, फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव लो, ठीक है, उसके बाद एंड पे ln a लिख दो। इसी तरह करेंगे इसको भी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो मैंने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसके बाद ln जो कॉन्स्टेंट है वो आप लिख दो, तो सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x ln 3, तो ln 3 3 की पावर x, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अगर आप 28 देखो, 28 में आपको फंक्शन गिवन है f(x) = x की पावर cos x। ये जो फंक्शन है आपके पास, ये बेसिकली इस पर ना पावर रूल लगेगा, ना इस पर आप एक्सपोनेंशियल लगा सकते हो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता था, बेस कांस्टेंट थी, पावर वेरिएबल था, इसमें बेस कांस्टेंट नहीं है, और जो आपके पास पावर रूल था उसमें बेस वेरिएबल थी, पावर कांस्टेंट थी, अब इसमें पावर भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें दोनों वेरिएबल हैं, तो इसमें हम एलन वाली मतलब टेक्निक यूज़ करते थे। अगर आप 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 जाओ और 5 में पार्ट नंबर 6 से आगे जाओ तो उसमें आपको टेक्निक मिलेगी हम किस तरह सॉल्व करते थे। या मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा शॉर्ट नहीं है लेकिन स्टिल आप याद कर लो, अगर वो मसला होता है आपको तो आप जो जैसे हम करते थे ना 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 6 के आगे आगे जो था आप उस तरह कर लेना। सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लिख लो, नीचे वाले फंक्शन को आप कह दो f(x) और जो पावर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको कह दो g(x)। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सबसे पहले ये जो फंक्शन जो है इसको आप एज इट इज़ अपनी जगह पे लिख दो, ये मैं डेरिवेटिव की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई g(x) डिवाइडेड बाय f(x) मल्टीप्लाई f(x) प्लस ln f(x) मल्टीप्लाई g(x), ये आप याद कर लो तो सही है, इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल में क्या गिवन है, x cos x, ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है f(x) और cos x क्या है g(x), ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सबसे पहले एज इट इज़ तो आप लिख दो x की पावर cos x आ जाएगा, फिर g(x) क्या है cos x डिवाइडेड बाय f(x) क्या है x है, मल्टीप्लाई f(x) का डेरेटिव, x का डेरेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ln f(x) f(x) क्या है x के बराबर है, मल्टीप्लाई g(x) मतलब g(x) का डेरेटिव, cos x का डेरेटिव क्या होता है -sin x, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके माइनस जो है इधर आके इधर आ जाएगा, ठीक है,
तो ये इसका एक स्टेप में डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर ये मुश्किल लगे तो आप लोगों को जो मतलब कोर्स में करवाया था वो वाला तरीका एलन वाला देख लेना। तो कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एल एन एक्स मल्टीप्लाई एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 29 है, 29 में आपको एक बेसिक सा फंक्शन गिवन है। अब ये फंक्शन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको एफ ऑफ प्राइम एक्स निकालना है। थ्री एज अ कोफिशिएंट है साइड पे कर दो। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद 30 में आपके पास एक पैराबोलिक फंक्शन गिवन है, मतलब पैराबोलिक की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। किस तरह करोगे, डिफरेंशिएट करो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, फिर 4ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 4a को रखो साइड पे, x का डेरिवेटिव 1 होता है। आपको बेसिकली निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, 2y को डिवाइड कर दो, तो 4a डिवाइडेड बाई 2y, कैंसिल करो ऊपर 2 आएगा, मतलब 2a ओवर y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर b जो है वो करेक्ट है। लास्ट टू रह गए आपके पास, जो 31 है उसमें क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। और वो बोल रहे हैं, अच्छा आपको dy बाई dx मालूम करना है, x बराबर है cos थीटा, y बराबर है sin थीटा, मतलब ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। y बराबर है sin थीटा, बहुत दफ़ा आप लोगों को ये वाला MCQs करवाया, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा, आप y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, डिवाइडेड बाय आप x को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। आपको पता है cos थीटा ओवर sin थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये माइनस आया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस cot थीटा के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आखिरी आपके पास MCQs है, वो MCQs क्या है, e की पावर ln x गिवन है, e की पावर ln sin x, और इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। याद रखो जब e आएगा और e की पावर n होंगे, ये दोनों का मतलब एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर 10 आ जाए और log 10 लेट से 5 आ जाए, तो ये 10 और log 10 ये हो जाएंगे कैंसिल, मतलब अगर कोई लोगैरिथम है, ठीक है, और उसकी बेस मतलब ln नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है e, तो e की पावर ln कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह जो कॉमन लोगैरिथम है उसकी बेस 10 होता है, तो 10 की पावर कॉमन लोगैरिथम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर में वेरीफाई कर सकते हो, 10 की पावर log, अच्छा कैलकुलेटर में log 10 नहीं होता, सिर्फ log लिखा हुआ होता हमने, तो आप कैलकुलेटर में क्या करना, 10 की पावर log लिखना log 5, तो आपके पास आंसर सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह e और ln ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, sin x बचेगा। ये अभी डिफरेंशिएट नहीं लिया हमने, मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंपल सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ अभी, e और ln कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ sin x बच जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव लो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, डी नहीं है, पीछे आंसर में उन्होंने डी लिखा हुआ है, लेकिन cos x करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।